सवाल गए दिस समित चैनल। सो आज मैं राइड कर रहा हूँ चांदीपुर सी बीच जो कि बालेश्वर पर आता है। तो मैं निकल गया हूँ बारीपदा से, डिस्टेंस करीब 70 किलोमीटर होगा। तो आज चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चांदीपुर सी बीच। तब तो आप एंजॉय कीजिए राइड को। सो गाइस, मैं फाइनली पहुंच गया हूं चांदीपुर सी बीच के पास में। ये रहा पांथनी बस का एंट्रेंस गेट। एंड अगर आप पांथनी बस में रहना चाहते हो तो नाइट स्टे यहां पर कर सकते हो, नहीं तो बाहर आपको बहुत सारे लॉज एंड होटल भी मिल जाएगा। एंड बाहर आपको पार्किंग का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आप यहां पर आना चाहते हो तो मैंने जी डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया हूं, तो वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट यहां पर आ सकते हो। एंड चले चलते हैं, ये रहा बीच का जाने का गेट। एंड ये बीच फेमस क्यों है, ये इसलिए इसको बोलते हैं हाइड एंड सीक बीच। एंड इसको क्यों ऐसा बोलते हैं तो आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये सामने रहा बीच। आपको लगता होगा यहाँ पर पानी नहीं है और बीच सिर्फ है, तो मैं आपको जो बताया था हाइड एंड सीक बीच कहते हैं इसे। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि जब यहाँ पर ज्वार भाटा के टाइम जब ज्वार आता है तो पानी पूरा यहाँ सीढ़ियों तक आ जाता है, लेकिन अभी भाटा के टाइम पूरा पीछे 1 से 2 किलोमीटर के पीछे तक चला जाता है पानी। सो चलते हैं समुंदर के पास से एंड आपको दिखाता हूँ पानी कैसा दिखता है वहाँ से। सो अभी कोरोना के टाइम बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग आना चाहते हो तो ज़रूर से यहाँ पर आइएगा। एंड अभी तो पूरा पानी के ऊपर चलने जैसा फीलिंग लग रहा है मुझे। एंड आगे आपको समंदर दिख ही रहा होगा। सो गाइस, ये था एक चांदीपुर के सी बीच के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।